ॐ सहना भवतु सहनो भनक्तु सह वीर्यं करवा तेजस्विनावीतमस्तमावे देशाव ओम शांति ही शांति ही शांति सत्यात प्रकाश में सातवा समोल्लास हम पढ़ रहे हैं इस समोल्लास में ईश्वर के विषय में हमने पढ़ा है ईश्वर क्लेश कर्म विपाक आशय से रहित हैं ईश्वर में किसी प्रकार की अविद्या नहीं है अब आगे सांख्य दर्शन के कुछ सूत्र दिए हुए हैं और उन सूत्रों पर चर्चाएं चलती हैं बड़े ही प्रसिद्ध ये सूत्र हैं और इन्हीं सूत्रों के आधार पर सांख्य दर्शन के जो रचयिता हैं कपिल ऋषि उनको नास्तिक बताया जाता है इन सूत्रों के गलत अर्थ किए जाते हैं प्रकरण से हटकर के अर्थ किए जाते हैं और बिल्कुल एक मिथ्या आरोप कपिल ऋषि पर लगाया जाता है कि वे अनिश्वरवादी अर्थात ईश्वर को नहीं मानते हैं प्रश्न और उत्तर के माध्यम से इन्हीं पक्षों को रखा जाएगा और ऋषि के द्वारा इसका समाधान यहाँ पर किया जाएगा ईश्वरा सिद्धे ही प्रमाण अभावात न तत्सिद्धि ही संबंध अभावात न अनुमानम इसका अर्थ पहले पूर्व पक्ष की ओर से किया गया है पहले सूत्र ईश्वरा सिद्धि का अर्थ किया गया प्रत्यक्ष से घट सकते ईश्वर की सिद्धि नहीं होती तो यह एक आक्षेप है कि जिस ईश्वर को आप प्रत्यक्ष आदि से सिद्ध मानते हो वह ईश्वर सिद्ध ही नहीं है अर्थात ईश्वर नहीं है और ये अर्थ किसका किया गया सांख्य दर्शन के सूत्र का किया गया है अर्थात एक तरह से ये कहना चाह रहे हैं कि सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता है दूसरा सूत्र प्रमाण अभावात न तत्सिद्धि इसका अर्थ करते हैं क्योंकि जब उसकी सिद्धि में प्रत्यक्ष ही नहीं तो अनुमान आदि प्रमाण नहीं घट सकते कहते हैं जब प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं है क्योंकि अनुमान आदि प्रमाण तो प्रत्यक्ष पर ही आधारित है प्रत्यक्ष होगा तो अनुमान भी किया जा सकता है किसी ने प्रत्यक्ष किया होगा तो उस पर आधारित शब्द प्रमाण भी होता है तो प्रत्यक्ष ही नहीं होगा तो अनुमान आदि भी कैसे हो सकते हैं इसलिए किसी भी प्रमाण के न होने से ईश्वर की सिद्धि ही नहीं होती ऐसा अर्थ इस सूत्र का किया गया तीसरा सूत्र है संबंध अभावात्म अनुमानम और व्याप्ति संबंध न होने से अनुमान भी नहीं हो सकता पुनः प्रत्यक्ष अनुमान के न हो सकने से शब्द प्रमाण आदि भी नहीं घट सकते इस कारण ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती तो कहते हैं किसी भी प्रमाण से ईश्वर सिद्ध नहीं है यहाँ पर एक शब्द आया व्याप्ति व्याप्ति का मतलब है दो पदार्थों के बीच में व्यापक संबंध का होना जैसे धुआँ और अग्नि है तो धुएँ और अग्नि के बीच में एक संबंध है क्या संबंध है कि जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य होगी और यह संबंध कैसा व्यापक है हर जगह पर मिलेगा इसे भी स्थान पर चले जाएं वहाँ पर यह संबंध मिलेगा ही मिलेगा इसलिए ये कैसा संबंध है व्यापक संबंध है इसलिए इसको व्याप्ति कहते हैं तो पूर्व पक्ष ने कहा कि सांख्य दर्शन के इस सूत्र के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ईश्वर की सिद्धि किसी भी प्रमाण से नहीं होती है अब इसका समाधान ऋषि दयानंद यहाँ करते हैं यहाँ ईश्वर की सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है और न ईश्वर जगत का उपादान कारण है और पुरुष से विलक्षण अर्थात सर्वत्र पूर्ण होने से परमात्मा का नाम पुरुष और शरीर में शयन करने से जीव का भी नाम पुरुष है क्योंकि इसी प्रकरण में लिखा है तो ऋषि ने कहा कि भाई आप इन सूत्रों का अर्थ गलत करते हैं और वर्तमान में भी समस्त विश्वविद्यालयों के अंदर सांख्य दर्शन के इन्हीं सूत्रों को पढ़ाया जाता है और इन्हीं सूत्रों के आधार पर कपिल ऋषि को अनिश्वरवादी अर्थात नास्तिक बताया जाता है और सांख्य दर्शन को नास्तिक दर्शन है ऐसा करके सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है तो ऋषिदानंद कहते हैं ये आप सूत्रों के अर्थ गलत कर रहे हैं इन सूत्रों के वो अर्थ नहीं है जो आप कर रहे हैं तो कहते हैं फिर सही अर्थ क्या है कह रहे हैं सही अर्थ ये है कि ईश्वर जगत का उपादान कारण नहीं है दो प्रकार के कारण होते हैं एक उपादान कारण और दूसरा निमित्त कारण निमित्त कारण का मतलब होता है जो बनाने वाला है जैसे कि एक व्यक्ति पाचक है वो रोटी को बना रहा है तो रोटी को बनाने वाला पाचक वो क्या है निमित्त कारण है और जिस सामग्री को लेकर रोटी बनाई जा रही है आटा इत्यादि वो आटा इत्यादि सामग्री क्या है वो उपादान कारण है तो सामग्री यानी रॉ मटेरियल वो उपादान कारण होते हैं और बनाने वाला निमित्त कारण होता है तो कहते हैं ईश्वर संसार को बनाता है ईश्वर संसार को बनाने की सामग्री नहीं है ईश्वर अपने में से संसार को नहीं बनाता है रॉ मटेरियल सामग्री वो अलग है संसार को बनाने की इसलिए यहाँ कहते हैं जो ये बात कही जा रही ईश्वर नहीं है तो ईश्वर नहीं है ये सूत्र का पूरा अर्थ नहीं हुआ ईश्वर कैसा नहीं है ईश्वर संसार का उपादान कारण नहीं है ये बात यहाँ पर कही जा रही है न कि ये कहा जा रहा है कि ईश्वर नहीं है इसलिए किसी भी बात को जब हम प्रकरण से अलग हटा देंगे तो उसका अर्थ बिल्कुल अलग हो जाएगा प्रकरण में जब तक हम उस बात को रखेंगे तभी उस वाक्य का पूरा पूरा अर्थ समझ में आएगा मान लीजिए भोजन अतिरिक्त बचा हुआ है और दो लोग मिलकर चर्चा कर रहे हैं एक कहता है कि जाओ उसको देकर के आ जाओ अब उसको देकर के आ जाओ इस वाक्य का अर्थ वही समझ सकता है जो उस पूरी चर्चा में उपस्थित है जो उस पूरी चर्चा में उपस्थित नहीं है वो इस वाक्य का अर्थ उसको देकर के आ जाओ इसको नहीं समझ सकता है और प्रसंग से प्रकरण से हटा देंगे वाक्य तो उसका कुछ भी अर्थ निकल आएगा उसको देख के आ जाओ किसको गाय को भिक्षुक को ब्रह्मचारी को या किसी और पशु को कुछ भी अर्थ हो सकता है लेकिन प्रकरण में रखेंगे तो जिस प्रसंग की बात चल रही है वही अर्थ होगा उससे अलग अर्थ नहीं होने वाला है तो ऐसे ही जब सूत्रों को उसके प्रसंग से हटा दिया जाएगा तो उसके कुछ भी अर्थ हो सकते हैं लेकिन वो वास्तविक अर्थ नहीं होंगे वास्तविक अर्थ प्रकरण में रख करके होने वाले हैं इसलिए वो प्रसंग और प्रकरण वो रिफर टू कॉन्टेक्स्ट बहुत आवश्यक है उससे ही सही अर्थ जाने जा सकते हैं और आगे कुछ और बात कही कि सांख्य दर्शन में पुरुष शब्द का प्रयोग किया गया है और तो ईश्वर शब्द के प्रयोग कम आते हैं पुरुष शब्द का प्रयोग अधिक आता है इसलिए कई लोगों को यह भ्रांति होती है कि पुरुष शब्द ही आया ईश्वर शब्द नहीं आया तो शायद सांख्य दर्शन में ईश्वर को नहीं माना जाता है ऐसा नहीं है पुरुष शब्द जीवात्मा के लिए भी आता है और पुरुष शब्द ईश्वर के लिए परमपिता परमात्मा के लिए भी आता है पुरुष शब्द का अर्थ क्या है देखिए संस्कृत भाषा बहुत विस्तारित विस्तारित अर्थ को लिए हुए होती है संस्कृत भाषा के कोई अर्थ रूढ़ नहीं होते रूढ़ मतलब निश्चित अर्थ नहीं होते हैं संस्कृत भाषा के शब्दों के प्रसंग के अनुसार कई अर्थ हो सकते हैं और गलती क्या होती है कि व्यक्ति शब्द के जिस अर्थ को जानता है उसी अर्थ को हर जगह पर लगाना चाहता है और ऐसा संभव नहीं है किसी वेद मंत्र में कहा जाए अग्नि की उपासना करो तो वहाँ अग्नि का अर्थ आग नहीं है और जो व्यक्ति अग्नि का अर्थ केवल आग जानता है वो मंत्र का सही अर्थ कर नहीं पाएगा इसलिए सही अर्थ करने के लिए अग्नि शब्द के जितने भी अर्थ हो सकते हैं उन सभी अर्थों को जानना होगा और यहाँ पर कौन सा अर्थ लेना है वो समझ व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए तभी सही अर्थ निकाले जा सकते हैं नहीं तो गलत अर्थ निकलेंगे और पीछे जितने भी चार पाँच सौ साल या हज़ार बारह सौ पंद्रह सौ वर्ष की परंपराओं को आप देखें वहाँ वेद मंत्रों के शब्दों के अर्थ गलत लिए गए हैं कहीं पर यह कहा गया गो जिह्वा की आहुति दो ये शब्द आया कि गो जिह्वा की आहुति दो अब गो जिह्वा का अर्थ क्या लेंगे सीधा सा अर्थ तो ये निकलेगा कि जो गो जिह्वा माने गाय की जिह्वा की आहुति दो लेकिन थोड़ा सा उस पर विचार करेंगे तो गो जिह्वा का अर्थ गाय की जिह्वा नहीं है संस्कृत भाषा को जानने वाले लोग और ऋषि परंपरा से अध्ययन किए हुए लोग इसका सही अर्थ जान जाएंगे कि गोजिह्वा शब्द का मतलब गाय की जिह्वा के समान जो आकृति जिसकी होती है अर्थात जिसको हम सामान्य भाषा में पत्ता गोभी कहते हैं उसको गोजिह्वा कहा जाता है उसकी आहुति देने के लिए कहा गया अब मध्यकाल में क्या हुआ कि ऋषि परंपरा से लोग जुड़े नहीं थे और सही अर्थ को इसलिए समझ नहीं पाए तो उन लोग गाय की जीवा काट के आहुतियाँ देनी शुरू कर दी उन लोगों ने और फिर वो परंपरा बन गई और फिर वही एक धर्म बन गया और इतना अधिक रूढ़ हो गया कि उसको निकालना मुश्किल हो जाता है ऐसी परंपराएं बिगड़ती हैं तो ऐसी परंपराओं के अंदर विकृतियाँ आती हैं कि शब्दों के सही अर्थों को जानते नहीं हैं क्योंकि उचित अध्ययन नहीं है तो शब्द का अर्थ निकालने के लिए संस्कृत भाषा का अच्छी तरह से ज्ञान होना अनिवार्य है तो इसलिए यहाँ पर पुरुष शब्द का अर्थ क्या है पुरुष अर्थात पूरी में शयन करने वाला पूरी तो हम शरीर को पूरी कहेंगे तो पुरुष का अर्थ क्या निकलेगा जीवात्मा हम पूरे ब्रह्मांड को पूरी कहेंगे तो अर्थ क्या होगा पुरुष का ईश्वर इसलिए एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हो जाते हैं कहाँ कौन सा अर्थ लेना है इसके लिए थोड़ा अध्ययन करना होगा अब सांख्य दर्शन के कुछ और सूत्र ऋषिदानंद ने यहाँ पर दिए और ये सिद्ध किया कि सांख्य दर्शन कपिलाचार्य नास्तिक नहीं है वे ईश्वर को मानने वाले हैं सूत्र हैं प्रधान शक्ति योगा चे संगापत्ति ही अर्थ करते हैं यदि पुरुष को प्रधान शक्ति का योग हो तो पुरुष में संगापत्ति हो जाए अर्थात जैसे प्रकृति सूक्ष्म से मिलकर कार्य रूप में संगत हुई है वैसे परमेश्वर भी स्थूल हो जाए इसलिए परमेश्वर जगत का उपादान कारण नहीं किंतु निमित्त कारण है अब मैंने अभी कहा कि ईश्वर संसार को बनाता है ईश्वर अपने आप से बनता नहीं है ईश्वर बनने वाली चीज़ नहीं है ईश्वर बनाने वाला है यानी ईश्वर सृष्टि को बनाने की सामग्री नहीं है रॉ मटेरियल नहीं है वो बनाने वाला है निमित्त कारण है अब कुछ ऐसे भी लोग हैं कुछ ऐसी विचारधाराएं हैं जो ईश्वर को उपादान कारण अर्थात संसार को बनाने की सामग्री मानते हैं अब यदि ऐसा माना जाए तो दोष क्या आएगा दोष ये आएगा कि कोई भी सामग्री कोई भी मूल तत्व जब उससे कोई चीज़ बनती है तो दो दो चीज़ें होती हैं कारण एक कार्य जैसे कि आटा क्या है कारण है और उसका कार्य क्या है रोटी है मिट्टी कारण है और कार्य क्या है घड़ा है धागे कारण है और कार्य क्या है वस्त्र हैं अब धागा क्या होता है सूक्ष्म है और उससे बनने वाला वस्त्र कैसा होता है बहुत बड़ा आकार का स्थूल बोलते हैं उसको बड़े आकार वाला हो गया तो कोई भी कार्य अपने कारण की तुलना में बड़े आकार वाला हो जाता है प्रायः ऐसा होता है अब यदि संसार के जो कारण है मूल तत्व वो सूक्ष्म है और उनसे कोई चीज़ बनेगी तो क्या हुआ स्थूल होगा उसका आकार होगा उसका परिमाण होगा उसका रंग रूप दिखाई पड़ेगा तो ईश्वर को यदि उपादान कारण अर्थात ईश्वर को संसार के बनने की सामग्री माना जाए तो फिर क्या होगा वह स्थूल बन जाएगा ईश्वर ये दोष आएगा जबकि ईश्वर स्थूल नहीं है ईश्वर सूक्ष्म है दूसरा एक और सूत्र दिया ऋषि ने सत्तामात्रा चेत सर्व ऐश्वर्यम कहते हैं जो चेतन से जगत की उत्पत्ति हो तो जैसा परमेश्वर समग्र ऐश्वर्युक्त है वैसा संसार में भी सर्व ऐश्वर्य का योग होना चाहिए सो नहीं है अब दूसरा दोष ये है कि यदि ईश्वर को उपादान कारण अर्थात संसार बनने की सामग्री मानी जाए तो क्या होगा ईश्वर तो चेतन है और चेतन से बनने वाला पदार्थ कैसा होना चाहिए वो भी चेतन होना चाहिए जबकि संसार ऐसा है नहीं यदि ईश्वर को संसार के बनने की सामग्री मानी जाए तो ईश्वर कैसा है समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों से उत्तम गुण कर्म स्वभावों से युक्त है तो उससे बनने वाला पदार्थ कैसा होना चाहिए वो भी सब प्रकार के गुण कर्म स्वभावों से युक्त होना चाहिए और ऐसा है नहीं और हो भी नहीं सकता है इससे बिल्कुल स्पष्ट इस होता है कि ईश्वर उपादान कारण अर्थात ईश्वर से नहीं बनता है ईश्वर बनाता है ये अंतर समझना चाहिए और कहते हैं श्रुतिरपि प्रधान कार्यत्व इसका अर्थ है कहते हैं इसलिए परमेश्वर जगत का उपादान कारण नहीं किंतु निमित्त कारण है क्योंकि उपनिषद भी प्रधान ही को जगत का उपादान कारण कहती है तो उपनिषदों में भी इस बात का उल्लेख है कि ईश्वर उपादान कारण नहीं है बल्कि ईश्वर निमित्त कारण है और ऊपर के सांख्य दर्शन के तीन सूत्रों में जिसके आधार पे पूर्व पक्षी और आज का समस्त विश्वविद्यालय जगत इस बात को मानता है कि सांख्य दर्शन नास्तिक है तो ऋषि दयानंद ने सिद्ध किया कि सांख्य दर्शन नास्तिक नहीं है वो केवल इस बात को कहता है ईश्वर बनाने वाला है बनने वाला नहीं है आगे कुछ कहते हैं अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमा स्वरूपाह कहते हैं प्रकृति के विषय में कहते हैं जो जन्म रहित सत्व रज तमोगुण रूप प्रकृति है वही स्वरूपाकार से बहुत प्रजारूप हो जाती है अर्थात प्रकृति परिणामिनी होने से अवस्थान्तर हो जाती है और पुरुष अपरिणामी होने से वह अवस्थान्तर होकर दूसरे रूप में कभी प्राप्त नहीं होता सदा कूटस्थ निर्विकार रहता है और प्रकृति सृष्टि में सविकार और प्रलय में निर्विकार रहती है अब यहाँ अंतर को समझने का प्रयास करें प्रकृति प्रकृति का मतलब क्या है ये संसार जिन परमाणुओं से बना हुआ है उन परमाणुओं का नाम है प्रकृति उसमें तीन चीज़ें आती हैं एक सत्व दूसरा रज और तीसरा तम इन तीन चीज़ों से सत्व रज तम से इस संसार का निर्माण होता है तम कैसा है वो रज तम जिसको प्रकृति कहते हैं वो कभी उत्पन्न नहीं होता है सामान्य बोलचाल की भाषा में इस संसार को हम प्रकृति कह देते हैं लेकिन शास्त्र की परिभाषा में प्रकृति का मतलब क्या है प्रकृति माने जिससे ये सारा का सारा संसार बनता है उसको प्रकृति कहते हैं वो सत्वर स्तंभ है उसको कोई नहीं बनाता है उसको ईश्वर भी नहीं बनाता है वो नित्य है उस सत्वर स्तंभ से ये संसार बनता है जिसको हम सृष्टि कहते हैं और उस सत्वर स्तंभ से संसार कैसे बनता है वो ईश्वर बनाता है आज का विज्ञान भी कहता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड यानी मूल तत्व को कोई बना नहीं सकता है तो ये वेद का सिद्धांत है कि मूल तत्व जिससे संसार बने हैं वो कैसा है वो अज है अज यानी कभी उत्पन्न नहीं हुआ है तो मूल प्रकृति कभी उत्पन्न नहीं होती है मूल प्रकृति से अवस्थान्तर अवस्थान्तर माने चेंजेस फिजिकल या केमिकल उसमें परिवर्तन आएंगे परिवर्तन का होना अवस्थान्तर है जैसे दूध में आपने कुछ जामन डाला तो वो सुबह दही जम गया तो दूध का अवस्थान्तर हो गया एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चला गया एक स्टेज से दूसरे स्टेज में कन्वर्ट हो गया वो अवस्थान्तर है तो ऐसे ही ये पूरी की पूरी प्रकृति को ईश्वर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन करने वाला है लेकिन ईश्वर स्वयं अपरिवर्तनीय है ईश्वर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है वो वैसे का वैसा ही रहता है तो इसलिए ईश्वर अपरिवर्तनीय है और जो प्रकृति है वो परिवर्तनशील है उसमें परिवर्तन होता रहता है प्रकृति से सृष्टि बनेगी एक निश्चित समय तक ये सृष्टि रहेगी एक निश्चित समय के बाद में ये पूरी की पूरी सृष्टि पुनः अपने परमाणु रूप में परिवर्तित हो जाएगी कारण रूप में चली जाएगी तो ऐसा क्रम हमेशा चलता रहता है आए कहते हैं इसलिए जो कोई कपिलाचार्य को अनीश्वरवादी कहता है जानो वही अनीश्वरवादी है कपिलाचार्य नहीं इसलिए कह रहे हैं कपिल आचार्य कपिल ऋषि जिन्होंने सांख्य दर्शन बनाया है वो नास्तिक नहीं है बल्कि वो लोग जो सांख्य दर्शन को पूरा पढ़ते नहीं हैं बीच के कुछ सूत्रों का अध्ययन कर लेते हैं वो लोग कपिल ऋषि को ठीक प्रकार समझ नहीं पाते हैं और मिथ्या आरोप ऋषि पर लगाते हैं कि वह नास्तिक हैं ऐसा नहीं है तथा मीमांसकों का धर्म धर्मी से ईश्वर वैशेषिक और न्याय भी आत्म शब्द से अनिश्वरवादी नहीं क्योंकि सर्वज्जत्व आदि धर्मयुक्त और व्यापनोति इति आत्मा जो सर्वत्र व्यापक और सर्वज्ञादि धर्मयुक्त सब जीवों का आत्मा है उसी को मीमांसा वैशेषिक और न्याय ईश्वर मानते हैं तो कहते हैं सारे दर्शनों के अंदर ईश्वर को माना गया है चाहे वैशेषिक हो चाहे मीमांसा हो चाहे योग हो कह रहे हैं कोई भी दर्शन हो कोई भी दर्शन ऐसा नहीं है जो ईश्वर को नहीं मानता है सभी दर्शन ईश्वर को स्वीकार करते हैं ईश्वर की सत्ता को मानते हैं लेकिन ईश्वर का स्वरूप कैसा है वो वेद के आधार पर मानते हैं वह अपनी कल्पना से नहीं मानते हैं वेद बताता है और वेद चूंकि ईश्वरीय ज्ञान है तो वेद स्वयं बताता है कि ईश्वर कैसा है और जैसा वेद ने बताया उस वैसा ही ईश्वर स्वीकार किया जाता है तर्कों के आधार पर प्रमाणों के आधार पर और वर्तमान समाज के अंदर बड़ा ज्वलंत प्रश्न है होता क्या है कि वर्तमान समाज के अंदर ईश्वर के नाम पर कोई चर्चा ही नहीं होती है और जैसे ही ईश्वर के स्वरूप पर कोई चर्चा करना प्रारंभ करें और कोई प्रश्नोत्तर करें तो उस व्यक्ति पर तुरंत ये आक्षेप लगता है कि ये व्यक्ति परंपरा का खंडन करता है और यह व्यक्ति नास्तिक है देखिए प्रश्न परंपराओं के या आस्थाओं के खंडन या मंडन का नहीं है प्रश्न सत्य का है प्रश्न मेरी आस्था या आपकी आस्था के साथ जुड़ा हुआ नहीं है प्रश्न सत्य के साथ जुड़ा हुआ है यदि मेरी आस्थाएँ मेरी निष्ठाएँ असत्य के प्रति हैं तो वह गलत है मुझे मेरी आस्थाओं का परिवर्तन करना चाहिए इसलिए प्रश्न सत्य का है सत्य क्या है और सत्य अपरिवर्तनशील होगा सत्य एक होगा सत्य प्रमाणों से सिद्ध होगा जो चीज़ें प्रमाणों से सिद्ध नहीं है परिवर्तनशील है वो असत्य है उसको नहीं मानना चाहिए तो इसलिए अब प्रश्न है कि ईश्वर अवतार लेता है वा नहीं तो उत्तर कहते हैं नहीं ईश्वर का कोई अवतार नहीं होता है संसार में जो भी चीज़ें स्वीकार की जाती हैं वो प्रमाण विरुद्ध है वेद विपरीत है वो इसलिए वो गलत है क्योंकि वेद स्वयं कहता है वेद क्या कहता है अज एक पाद सपर्यगा चुक्रम कायम व्रणम असना ये यजुर्वेद का वचन है इत्यादि वचन से परमेश्वर जन्म नहीं लेता देखिए ईश्वर की वाणी ईश्वर का जान वेद है और ईश्वर स्वयं कहता है वेद के अंदर कि मेरा कोई अवतार होता ही नहीं तो ईश्वर जिस बात को स्वयं कह रहा है उसको मानना चाहिए मनुष्य अज्ञानी है गलत हो सकता है ईश्वर कभी गलत नहीं हो सकता है तो वेद का मंत्र यजुर्वेद का अज अजमाने जिसका कभी जन्म नहीं होता उसको अज कहते हैं दूसरा एक और मंत्र दिया उसमें कहा अकायम जिसका शरीर नहीं है इसलिए ईश्वर का कोई अवतार नहीं होता है ये चर्चाएं फिर आगे लंबी चलेंगी आज इसको यहीं पर विराम देंगे ओम ध्वनि के साथ में ओ सभी को सादर नमस्ते